बाबर बेटा देखो, एशिया कप में तो मजा नहीं कर पाई आपकी टीम, हमें मालूम है प्लेयर अनफिट होगी, लेकिन अब भैया वर्ल्ड कप अहम तरीन है, इंडिया में जाके खेलना है, इज्जत का सवाल है भैया, हमने आपसे मशवरा करना है। ये आमर और सरफराज से बात कर रहे हैं, इनको लेके आते हैं आपके साथ, कैसे रहेंगे अपना जरा प्लानिंग बताइए। बस वर्ल्ड कप जीतना है भैया, इस बार कोई हम ना सुने कि आप खाली हाथ लौट के आ रहे हैं इंडिया से, ठीक है। इंतजाम भैया बाबर से पूछने की क्या बात है, हम आने के लिए यारे टीम में भैया, हम तो कह रहे हैं बाबर को कप्तानी से हटाइए, हमें बनाइए कप्तान, वर्ल्ड कप भैया झोली में रखे जाएंगे पहले, उसके बाद केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके जीत के भी ले आएंगे, बाबर का क्या फायदा, ससुर कन्नाती शतक लगाता है, केवल अपने लिए जीतने जरूरत होती है, उधर तो भूतनी का 10 रन नहीं बना सकता। हमको देखो भैया, चाहे टुक टुक करते कैसे भी करते चैंपियन ट्रॉफी इंडिया से जीती थी ना, अब भैया इंडिया में जाके वर्ल्ड कप भी जीत के लेके आए। ये लो निजाम एक और आ गया कप्तान बनने के लिए, कर क्यों तो पांडा, ये ससुर के नाती निजमा भैया कभी नहीं सुधरेंगे, पहले शाहीन और शताब को भी थोड़ी थोड़ी खुजली है कप्तानी के, एक और आ गया, मेरी बात मानो, वही टीम रहने दो भैया, जो अनफिट है उनको जाने दो, उसकी जगह जमान खान को जाओ और कोई तेज गेंदबाज ले आओ, और मेरे ख्याल में शताब और शाहीन को भी भैया फारक करो, हमाद वसीम को ले आते हैं, शाहीन ससुरा भी फोकट में टेंटे करते रहता है, इसको भी निकालो, हम जीत लाएंगे। बाबर भैया निजमा भैया हम भी आने के लिए तैयार है, लेकिन क्या करे वो अफीज और जो भैया मिसबा बैठे ना, लेकिन भैया हम कप्तानी की आज नहीं करेंगे ना ही उम्मीद करेंगे, बढ़िया खेलेंगे, लेकिन बाबर भैया आपको मेन मैच में फिर रन बनाने होंगे, शाहीन ने तो खाली भैया आपको बोला, हम तो भैया पटक पटक के मारेंगे, और शाहीन वालों का फायदा नहीं है भैया, जिधर विकेट लेनी होती है उधर लेते नहीं, वैसे 5-5 विकेट लेते, हम भैया वहां विकेट लेते हैं, यहां जरूरत है, हम खेलने के लिए तैयार है, लेकिन क्या करें। अबे बस करो ससुरी वालों, कोई अच्छा मशवरा दो, ये तुमको पता नहीं क्या खुजली, हर किसी को कप्तान की खुजली है भैया, बाबर भैया ही कप्तान रहेगा, सरफराज भैया खेलना है ठीक है, और आमर बेटा तू तो सही कह रहा है, लेकिन भैया हमारी खातिर आ जा, अपनी इज्जत को 4 चांद लगा, वर्ल्ड कप जितवा किला अपनी टीम को, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे यार, फोकट में टेंट करते रहते हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं, और कप्तानी के पीछे सारे भैया खाना खराब टीम का नहीं करो। इंजमाम साहब ये सुधरने वाले नहीं, हमको पता यार हम कैसे कप्तानी करते हैं, कोई ससुरा हमारी बात नहीं मानता, मेरी बात मानो, मेरे को भी कप्तानी से हटाओ, कोई भी कप्तान नहीं होना चाहिए, एक बार भैया बंदा रखो जो कप्तानी करे, सबको फेंड के रखे, फिर ससुर के नाती शायद सुधर जाए, नहीं इनके बीच में कप्तान होता है, भूतनी वाले कप्तान को कप्तान समझते ही नहीं है, नहीं तो टीम अपनी इतनी बढ़िया है, कोई मैच ना हारे, बस भैया कप्तानी के पीछे पड़े, इसलिए टीम का सत्यानाश कर दिया। बाबर भैया इससे भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं मानेंगे, मेरे पास मशवरा है भैया, सबको रिमोट कंट्रोल से के जरिए कंट्रोल करो, इनके अंदर मोट ठोको, ताकि इनका अपना कुछ बस ना चले, फिर भूतनी वाले बढ़िया करेंगे, एक बंदा हो जो बाहर से बैठ के इनको रिमोट पर कंट्रोल करे, वो काम मैं कर सकता हूँ भैया, छुप छपा के भैया, टीम में तो हमको खेलते हुए कई सारे देखना नहीं चाहते, ये काम इंतजाम भैया मेरे को दे दो, वर्ल्ड कप पक्का समझो, जीत गई हमारी टीम फिर। अबे चुप ससुरी के, हमारे के बच्चे फोकट में टैंटें कर रहे हो यार, इंतजाम भैया तुम भी इनकी बातें सुन रहे हो और हमको भी सुननी पड़ रही है यार, हम चुप करके बैठे। अब बाबर भैया उस दिन खामखा भैया हमसे पंगा ले लिया भैया, जो बढ़िया खेला उसको तो कुछ बोलता नहीं, सबको डांटने पर शुरू होता, खुद से भैया बल्ला चलता नहीं, हमारा क्या दोष है, और वैसे यार टैंटें नहीं करो, यही टीम बढ़िया रहेगी, हम ही खेलेंगे, कप्तानी जिस मर्जी को दे दो, इंतजाम भैया खुद ही बाहर बैठ के कप्तानी फिर कर लो। छोड़ो यार शायन भैया, इनका सबका वैसे ही दिमाग हिला हुआ है भैया, टीम कुछ कर नहीं पाती, अब बाबर भैया कौन कप्तान बनना चाहता है, करो कप्तानी आप भैया, कौन रोक रहा है, हम तो भैया आपकी बात मानते हैं, और आपसे नहीं होती तो सरफराज को दे दो कप्तानी, वैसे भी आपको कोई प्लेयर मानता तो है नहीं भैया, देखते हैं सरफराज क्या करता है, लेकिन वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, काम का आप लोगों ने दिमाग खराब करके आकर मैं वही टीम रख लेनी है, ना अमर को ना सरफराज को रखना है, बस बाबर को कप्तान रखना है भैया, फिर आपकी मर्जी निजाम भैया। बाबर भैया इनकी बातें सुन के लग रहा है आपसे ही कप्तानी नहीं हो रही भैया, प्लेयरों का दोष नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, क्या ख्याल है, फिर भैया आप खेलोगे टीम में तो आपको खेलना पड़ेगा, सरफराज को फिर कप्तान बना दे, क्या लगता है टीम बढ़िया कर लेगी, आपसे तो कुछ होता नहीं है भैया, कोई मानता नहीं है शताब के बिना, मुझे तो यही लग रहा है। निजमान भैया बना दीजिए, क्योंकि भैया आपका भी दिमाग इन्होंने हला दिया, ये ससुरी के इसी तरह भैया फोकट में बातें करते हैं, बंदे का दिमाग हला के रख देते हैं, किसी की मानते नहीं, अपनी बातों से पागल बना देते हैं, जैसे भैया आपको बना दिया, भैया करो करो मनमानी बनाओ सरफराज को भैया, फिर टीम 100 रन भी नहीं बनाएगी,
और गेंदबाज ने 500 रन खाएगी फिर भैया हमारा दोष ही निकल, हमारा क्या, हम खेल लेंगे। बाबर भैया बस करो, आपने भी दिमाग खराब करके रखा है। इंतजाम भैया वर्ल्ड कप सर पर आ गया है, सबने टीमों का ऐलान कर दिया, हमारी टीम का भी जल्दी से ऐलान करो, कप्तान बनाओ, नहीं बनाना तो वैसे टीम में घुसेड़ लो, बाबर को हम देंगे ऐसे ऐसे मशवरे, बाबर करेगा कप्तानी बढ़िया, हम वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे, क्योंकि सरफराज टीम में होगा, कोई माइका लाल हमसे जीत नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब प्लीज, आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए।